हेलो दोस्तों, मैं विमल कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको हमारी यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाली हर नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की भी स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन बिहार पुलिस एग्जाम देने वाले हैं, तो आप अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, आज इसी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो किस तरह से आपको डाउनलोड करना है, सारा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। बिल्कुल आप इस वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। तो सिंपली से आपको मोबाइल के किसी भी ब्राउजर में जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है BPSSC। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा BPSSC। सिंपली से आपको लिखना है BPSSC, लिख करके आपको सर्च कर लेना है। जब आप इस तरह से लिख करके सर्च करोगे तो ये पहला वाला लिंक आएगा, आप इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको ये देखिए, ये पहला वाला जो लिंक मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है, डाउनलोड एडमिट कार्ड ऑफ राइटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन बिहार पुलिस। तो सिंपली से आप क्या करेंगे, इसी पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, डाउनलोड राइटन एग्जाम एडमिट कार्ड, इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पर दो तरीका है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, रजिस्ट्रेशन ID और मोबाइल नंबर। आप रजिस्ट्रेशन ID से भी जो है एडमिट कार्ड निकाल सकते हो और आप जो है मोबाइल नंबर से भी एडमिट कार्ड निकाल सकते हो। तो सिंपली से आप जिस तरह भी से निकालना चाहते हो आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा डेट ऑफ बर्थ का, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट करोगे अपने सर्टिफिकेट के अनुसार। उसके बाद यहाँ पर आप इंटर जो है बी साइड कैप्चर, ठीक है। तो यहाँ पर जो नीचे कैप्चर दिया गया आपको, ये कैप्चर आपको ऊपर डालना है, जो भी है सेम टू सेम उसी तरह से आपको डालना है। जो कैपिटल में है कैपिटल में लिखना है, जो स्मॉल में है स्मॉल में लिखना है, लेकिन सेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली से सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको दिख जाएगा, आप उसे अपने मोबाइल के अंदर जो है डाउनलोड भी कर सकते हो या फिर आप उसे प्रिंट करके निकाल भी सकते हो। तो इस तरह से आप जो है आसानी से चेक कर